हे गाइस, मोस्टली वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का लेटेस्ट करंट अपडेट, मैं आपको टू द टाइम हर एक अपडेट देते आ रहा हूं। और फाइनली आज के डेट में, यानी आज का डेट हो चुका है 16/6/2022, यानी 16 जून 2022। और आज ये एक नोटिस आ चुका है हर एक कॉलेज के लिए, हर एक स्टूडेंट्स के लिए, और सबसे स्टूडेंट्स के लिए मेजर जो कन्फ्यूजन का सिचुएशन है वो फॉर्म को लेकर के, यानी पार्ट थर्ड, पार्ट टू, पार्ट वन, सभी क्लासेस का जो फॉर्म है वो डेट भरना ओवर हो चुका है। यानी फॉर्म भरने का जो डेट है वो बेसिकली ओवर हो चुका है। डेट ओवर होने के बाद स्टूडेंट्स को, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी एग्जामिनेशन के फॉर्म को फिलअप कर चुके हैं और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी भी अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने से भी बाकी रह गए हैं। लेकिन अब स्टूडेंट्स को लग रहा है कि क्या जिनका एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप हो चुका है, क्या वो फिर से फॉर्म फिलअप करेंगे कॉलेज जाकर के। इस प्रकार के कई सारे कमेंट्स हमारे वीडियोस पे आ रहे हैं, तो लगातार ये सारे प्रॉब्लम्स को लेकर के लगातार कुछ स्टूडेंट्स के बीच में कन्फ्यूजन का सिचुएशन था। हालांकि इस सिचुएशन के बीच में यूनिवर्सिटी वालों ने फिर से एक नोटिस को जारी किया, और क्या कुछ नोटिस है, नोटिस का क्या कुछ मतलब है, आइए समझते हैं। आपको बताते हैं कि अगर आपका फॉर्म ऑफलाइन भरा चुका है, मतलब कहने का मतलब अगर आपका फॉर्म ऑनलाइन आपने भर लिया, पेमेंट कर दिया, कॉलेज जाकर के जमा कर दिया, तो क्या फिर से आपको काउंटर पे जाकर के फिर से फॉर्म भरना है। ये सारे सिचुएशंस के बारे में डिस्कस करते हैं, और इसी के रिगार्डिंग यूनिवर्सिटी वालों ने लेटेस्ट नोटिस जारी किया है, और वो नोटिस आप देख सकते हैं, जो कि आपको अभी 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा। क्या कुछ नोटिस है, नोटिस के मतलब को समझते हैं। इससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि फर्दर इन फ्यूचर तमाम सारे अपडेट आपको टू द टाइम मिल सके। प्लस आपके लिए, आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए एक और अदर चैनल हमारे द्वारा बनाया गया, जो कि जिसका नाम है की ऑफ गोल, एंड उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लास्ट में भी आपको मिल जाएगा। उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि उसके जो तमाम जो सारे लेक्चर्स है, या फिर कह सकते हैं जो तमाम सारे आइडियाज एग्जामिनेशंस को लेकर के जो देने वाला मैं हूँ, वो आइडियाज आपके लिए बहुत ही बेहतर काम करेगा, और वो आपको इस एग्जाम में आपको बहुत अच्छा स्कोरिंग दिलाने में आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। तो उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, उसके वीडियोस से लगातार अपडेटेड रहे, और आज से उसमें वीडियोस डालना स्टार्ट हो जाएगा, यानी आज से वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें पार्ट थर्ड के प्रिपरेशन, पार्ट टू के प्रिपरेशन, पार्ट वन के प्रिपरेशन, पीजी का प्रिपरेशन किस तरीके से करना है, कौन सा गेस्ट पेपर, कौन सा क्वेश्चन बैंक, कौन से क्वेश्चन मोस्टली इंपॉर्टेंट है, चाहे आर्ट्स के पेपर हो, साइंस के पेपर हो, या फिर कॉमर्स के पेपर हो, हर एक पेपर्स का आइडियाज आपको मिलेगा। तो वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि उससे आप एग्जाम में बेहतर कर सकते हैं। आइए डिस्कस करते हैं अभी के इस अपडेट के बारे में। ये अपडेट आपका पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी ने 16/6/2022, यानी आज अभी कुछ कह सकते हैं मिनट्स पहले जारी किया है। इसके अकॉर्डिंग ये एक ऑर्डर है, ये एक नोटिस है, वो बेसिकली नोटिस है प्रिंसिपल्स के लिए। ध्यान रखिएगा, ये नोटिस किसके लिए, महाविद्यालय के प्रधानाचार्यों के लिए है, और स्टूडेंट्स इसके बारे में थोड़ा सा कॉन्शियस रहेंगे। कॉन्शियस क्या रहना, सबसे पहले बात समझ लीजिए कि जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में, मैं आपको बता दूं लगभग पार्ट वन एंड पार्ट टू थर्ड थोड़े टोटल स्टूडेंट्स मिलाकर के लगभग अप्रॉक्स 3 लाख के आसपास स्टूडेंट्स हैं। 3 लाख में कह सकते हैं कि 1.5 लाख या फिर कह सकते हैं 1,40,000 से 50,000 बच्चों का स्टूडेंट्स जो है उनका फॉर्म भरा चुका है ऑनलाइन। इसके बाद वो ऑनलाइन जैसे उनका फॉर्म भरा है, वो कॉलेज जाकर के सब चीज सबमिट कर दिए, उनका तो फॉर्म समझिए सबमिट हो गया, अब उनका एडमिट कार्ड जारी होगा। तो जिनका भी ऑनलाइन फॉर्म सबमिट हो चुका है, जो हर चीज प्रोसेस को कम्प्लीट कर चुके हैं, उनको इस प्रोसेस से मतलब नहीं है। मतलब है वैसे स्टूडेंट्स के लिए जिनका फॉर्म अभी तक फिलअप नहीं हो पाया था, चाहे ब्लैंक पेज का प्रॉब्लम हो, या फिर आपका रिकॉर्ड नॉट फाउंड का प्रॉब्लम हो, पेमेंट कट गया, पेमेंट सक्सेस नहीं हुआ, तो वैसे तमाम सारे स्टूडेंट्स अपना फॉर्म को ऑफलाइन भरेंगे। और ऑफलाइन भरने का प्रोसीजर क्या है कि अपना 2 फोटो सिग्नेचर, अपना पार्ट टू का रिजल्ट, या फिर रजिस्ट्रेशन स्लिप पार्ट वन का, अभी अगर आप पार्ट वन में फ्रेश स्टूडेंट्स होंगे तो पार्ट वन का अपना रजिस्ट्रेशन का स्लिप, ये सारा डॉक्यूमेंट्स ले जाकर के आपको चल जाना है अपने कॉलेज में। कॉलेज में जाने के बाद कॉलेज के काउंटर पे मांगना है एग्जामिनेशन फॉर्म, आपको 2 कॉपी का एग्जामिनेशन फॉर्म मिलेगा, आपको दोनों फॉर्म भरना है, फोटो पेस्ट करना है, फोटो चिपका करके कॉलेज के काउंटर पे जमा कर देना है। यहाँ देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया, ये आपका प्रोसेस है जो मैंने आपको बता रहा हूँ कौन से स्टूडेंट्स को ये फॉर्म भरना है, जिनका अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, जिनका ऑनलाइन भरा चुका है उनको ये सारा प्रोसेस है, किसी भी प्रकार का मतलब नहीं है, इस बात पे प्रॉपर ध्यान रखिएगा। इसमें इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट बताया गया। नंबर फर्स्ट पॉइंट बताया गया है डिग्री थर्ड वालों के लिए, डिग्री टू वालों के लिए, एंड डिग्री वन वालों के लिए, यानी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बताया गया है, और कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं। क खंड में देखिए बताया गया, डिग्री थर्ड के वैसे बच्चे जो अगर पार्ट वन में सही से क्लियर है, यानी अगर पार्ट वन वो सही से उनका क्लियर है तो वो फॉर्म भर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आप पार्ट टू में प्रमोट है या पास है तो भी आपका फॉर्म भराएगा, लेकिन अगर आपका पार्ट वन में फेल है या प्रमोट है तो आपका पार्ट थर्ड का फॉर्म किसी भी हाल में नहीं भराएगा। आपका सबसे पहला ड्यूटी बनता है कि आप पार्ट वन को क्लियर कर लीजिए। अगर ऐसे स्टूडेंट जिनका फॉर्म मिस्टेक से ऑनलाइन प्रोसीजर में भरा भी गया है तो उनका एडमिट कार्ड जारी नहीं होगा, या फिर कॉलेज वाले उसको वैलिडेट नहीं करेंगे। तो वैसे स्टूडेंट ध्यान रखिएगा कि अपना पार्ट वन का जो पहले जो आपका एग्जाम है आप उसको क्लियर कर लीजिए, इसके बाद ही आपका पार्ट थर्ड का फॉर्म फिलअप होगा। सेकेंड पॉइंट में बताया गया है डिग्री टू वालों के लिए, वैसे स्टूडेंट जिनका पार्ट वन क्लियर है या पार्ट वन परमोट है वो भर सकते हैं डिग्री टू का फॉर्म।
डिग्री थर्ड के बारे में बात की जाए, पॉइंट थर्ड के बारे में, तो डिग्री वन के लिए वैसे स्टूडेंट्स फॉर्म भर सकते हैं जिनका पंजीकरण सही तरीके से हो चुका है, मतलब रजिस्ट्रेशन सही तरीके से कंप्लीट हो चुका है और सब्जेक्ट का सिलेक्शन भी हो चुका है। और यहाँ पे बताया जा रहा है एक्स स्टूडेंट भी फॉर्म भर सकते हैं, मतलब जो स्टूडेंट का एग्जाम छूट चुका है, अब्सेंट हो चुके हैं, वो भी ध्यान रखिएगा कि उनका फॉर्म अब कॉलेज के द्वारा ऑफलाइन भरा जाएगा। तो जिस भी कॉलेज में आपका एडमिशन होगा वहां जाकर के आप अपना फॉर्म फिलअप कीजिए, और ध्यान रखिएगा फॉर्म फिलअप करने का मात्र 2 दिन का टाइम मिला है आपका 16 से लेकर के 17 तक स्टूडेंट्स के लिए, और 17 को फिर कॉलेज वाले वो जो सारा फॉर्म भराएगा ऑफलाइन वो उसका पूरा कॉपी भेज देंगे यूनिवर्सिटी में। तो आप 18 वाले डेट का इंतजार नहीं कीजिएगा, आपका स्टूडेंट्स का ड्यूटी है कि 16 से लेकर के 17 होते होते फॉर्म अपना सब भर ले ताकि वो फिर आपका कॉलेज से यूनिवर्सिटी जा सके, एंड इसके बाद फिर आपका यूनिवर्सिटी वाले आपका एडमिट कार्ड वगैरह वैलिडेशन वगैरह सब चीज कर दे। तो ये आपका लेटेस्ट अपडेट था जो कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी ने जारी किया। मेरा जो लेटेस्ट अपडेट था मैंने आपको बताया कि आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए मैंने चैनल बनाया है, जो चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वीडियो के लास्ट में है, तो आप उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि जो तमाम सारे एग्जामिनेशन अपडेट है वो आपको टू द टाइम मिल सके, लेक्चर्स आपको मिल सके, स्टडी नोट्स वगैरह मिल सके, हर एक इंपॉर्टेंट जो भी आपके लिए कंटेंट होगा वो आपके लिए अवेलेबल उस चैनल पे कराया जाएगा। वीडियो को एंड करते हैं, वीडियो देखने के लिए बेहद ही धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट वीडियो।